नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो की मुहिम जारी। बिहार के एक और भ्रष्ट सरकारी सेवक के ठिकानों पर छापेमारी चल रही। छपरा में आय से अधिक संपत्ति मामले में जिला परिषद के इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में 2 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चलने के बाद निगरानी की टीम ने शंभुनाथ सिंह के 4 ठिकानों में दबिश दी। पटना की निगरानी की टीम ने शंभुनाथ सिंह के गठखा डाक बंगाल स्थित सरकारी आवास और उसके साथ दफ्तर में 3 जगहों पर एक साथ छापेमारी। वहीं पटना में भी उनके आवास पर छापेमारी चल रही। छापेमारी क्या कुछ निकल कर सामने आया अभी कुछ नहीं पता चल सका है, लेकिन छापेमारी शुरू होने के बाद उनके घर और आवास के साथ सरकारी कार्यालय के कई फाइलें कि ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। निगरानी ब्यूरो की टीम सुबह से ही छपरा जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पहले घंटे की छापेमारी में ही अकूत संपत्ति का पता चला। बताया जाता है कि इस भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर ने अकूत संपत्ति बनाई। इंजीनियर पर यह भी आरोप है कि इस बार अपनी पत्नी को पैसों के बल पर मुखिया बना दिया, वहीं अपने बेटे को असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बहाली कराया। इस केस में बेटा भी अभियुक्त बना है। जानकारी के अनुसार छपरा जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर के पटना के अलावे छपरा स्थित दफ्तर और पैतृक आवास की तलाशी ली जा रही है। निगरानी ब्यूरो की रेड में जमीन और फ्लैट के 40 से अधिक कागजात मिले। पटना में 2 महंगे फ्लैट का पता चला है, वहीं कई बैंक लॉकर के कागजात मिले। नाम सर शंभुनाथ सिंह है। उनके कितने आवास पे छापेमारी हो रही है? 3 जगह छापेमारी चल रही है। कहाँ कहाँ पर? एक तो यहाँ पे ऑफिस पे, ये ऑफिस का रेसिडेंस है, ऑफिस है ठीक बगल में ही है, ये दोनों छपरा में है। इसके बाद अन्य 2 जगह पे, एक इनके आवास पे हो रहा है और एक पटना में हो रहा है। आवास इनका सर? आवास मोती राजपुर गरखा थाना। हाँ, क्या कुछ विशेष हाथ लगा? अभी अभी चल रहा है सब, बाकी हमारे प्रभारी साहब आएंगे। तो क्या शुभ नाम है? मेरा विकास श्रीवास्तव, डीएसपी डीएसपी है, पुलिस वाले।